हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयान और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप से अपने लैपटॉप विंडोज़ 10 में आप चेक कर सकते हो कि विंडोज़ एक्टिवेट है या नहीं, और आप उसे एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट करवा लेना चाहिए या नहीं। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए और बीच में स्किप ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो ऑलटेक मेकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हमारे चैनल से ऐसे ही रोज़ाना ऐसे ही वीडियो अपलोड होता रहता है, तो आपको हर रोज हमारे चैनल से वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास लैपटॉप, और इस लैपटॉप में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ को चेक कर सकते हो कि एक्टिवेट है या नहीं। प्रेस कर लेते हैं, और फर्स्ट आपको यहाँ से जाना है टाइप हेयर टू सर्च में जाना है यहाँ पर सर्च, और यहाँ पर आपको टाइप करना है सिस्टम। सो यहाँ पर सिस्टम आ चुका है और इसमें क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा कि विंडोज़ इज नॉट एक्टिवेट। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको चेक करना है। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.